So my number 5 spot goes to the GKS, a weapon with very less recoil and great damage range, जो इस गन को लॉन्ग रेंज में हर एक SMG से अच्छा बनाता है। पर इस गन का एक ड्रॉबैक ये है कि ये वेपन क्लोज रेंज में हर एक SMG से आउट क्लास हो जाता है, और इसलिए मैंने इसको नंबर 5 स्पॉट दिया है। और अगर आपको इस गन के बेस्ट अटैचमेंट्स चेक करने हो तो आप हमारी ये वीडियो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर नंबर 4 स्पॉट विच इज़ द RUS। तो दो रीज़न है जिसकी वजह से मैंने इसको नंबर 4 स्पॉट दिया है। पहला कि इस गन का आयरन साइट बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, और इसका आयरन साइट आपको उन फाइन एडजस्टमेंट्स में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और दूसरा, इस गन का डैमेज मीडियम रेंज में हर एक SMG से ज़्यादा है, और इसलिए ये वेपन मीडियम रेंज में किलर बन जाता है। और स्क्रीन पे आप अभी उनके बेस्ट अटैचमेंट्स भी चेक कर सकते होंगे, आपको अगर उनको कॉपी करना है आप कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने नंबर 3 स्पॉट की, जो है QXR। तो ये वेपन लिटरली एक लेज़र है। इस वेपन का रिकॉइल बहुत ही ज़्यादा कम है, जो इसको लॉन्गर रेंजेस में एक लेज़र बनाता है लिटरली। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप इस गन से आसानी से लॉन्ग रेंज शॉट मार लोगे। पर ये वेपन लॉन्ग रेंज में अच्छा होने के साथ ही साथ क्लोज टू मीडियम रेंज में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। बस आपको इसमें एक अटैचमेंट लगाना होगा, वो है एनहांस बोल्ट, जो इसका फायर रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा और क्लोज रेंज में इस वेपन को बहुत अच्छा कर देगा। और अगर आपको इस गन के बेस्ट अटैचमेंट्स चेक करने हो तो आप हमारी ये वीडियो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर नंबर 2 स्पॉट विच इज द PP Bison। सो दिस वेपन हैज वेरी लेस रिकॉइल, ग्रेट डैमेज रेंज एंड हाई मैगजीन कैपेसिटी, विच मेक्स इट अ वेरी वर्सेटाइल वेपन। इस गन की एमो लिटरली 64 है, वो भी विदाउट एनी एक्सटेंडेड मैग, जिससे ये वेपन एक मिनी LMG बन जाता है। और आप इस वेपन से स्प्रे करते रहोगे और इसकी एमो कभी ख़त्म नहीं होगी। और इस गन का डैमेज भी RUS और QXR से हर एक रेंज में ज़्यादा अच्छा है, इसलिए ये नंबर 2 स्पॉट डिजर्व करता है। और आप स्क्रीन पे अभी इसके बेस्ट अटैचमेंट्स भी देख सकते होंगे, आप कॉपी करना चाहे तो कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने नंबर 1 स्पॉट की, जो है QQ9। तो ये वेपन लिटरली एक बीस्ट है, और एक ही रीज़न है जिसकी वजह से मैंने इसको नंबर 1 स्पॉट दिया है, और वो है इसकी मोबिलिटी। इस गन की मोबिलिटी लिटरली हर एक SMG से ज़्यादा है। आप एनिमी के सामने लिटरली जिग जैग करके स्लाइड करोगे और वो आपको छू तक नहीं पाएगा। और अगर आपने इस गन के साथ अपनी मोबिलिटी एक बार मास्टर कर ली ना, आप इस गन के साथ लिटरली प्रो बन जाओगे। पर ऐसा मत सोचिए कि ये वेपन सिर्फ क्लोज रेंज में अच्छा है। ये वेपन क्लोज रेंज में अच्छा होने के साथ ही साथ मीडियम रेंज में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस गन में मैंने कुछ ऐसे अटैचमेंट्स लगाए हुए हैं जो इस गन को मीडियम टू लॉन्गर रेंजेस में भी बहुत ज़्यादा अच्छा बना देते हैं। और इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप हमारी ये वीडियो एक बार ज़रूर चेक करें, क्योंकि मैंने इस वीडियो में इस गन के बेस्ट अटैचमेंट्स बताए हुए हैं। तो ये थी हमारी टॉप 5 बेस्ट SMGs की वीडियो। और अगर आपको अपनी मनपसंद SMG के बेस्ट अटैचमेंट्स चेक करने हो तो आप हमारी इन चारों वीडियो में से कोई भी वीडियो को क्लिक कर सकते हैं।